आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज़ दी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एससीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले हम इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं कि यूक्लिड लेमा क्या होता है। इसमें डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर होता है। तो इनको डिवाइडेंट को ए मानते हैं, इज इक्वल टू डिवाइजर को बी मल्टीप्लाई कोशेंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर होता है। इसी को यूक्लिड लेमा कहा जाता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 135 जो है वो 225 से छोटा है, स्मॉल है। तो इसका मतलब अब हम 225 को 135 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 225 को 135 से डिवाइड करने के लिए 135 और 5 में 5 गए तो 0, ये बन गया 12 में से 3 गए तो 9 और 1 में से 1 गया तो 0। अब हम 90 से 135 को डिवाइड करते हैं। तो 91 90, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गए तो 4। नाउ 90 45 2 90, रिमाइंडर 0। तो हमारा 225 डिवाइडेंट है इक्वल टू 135 ये वाला। क्वेश्चन क्या आया था, मल्टीप्लाई में 1 और रिमाइंडर प्लस में 90। अब जो 135 है इसको 90 से किया है, तो 135 को आगे ले लेते हैं, इजिकल टू 90 से 90 मल्टीप्लाई में 1 ये प्लस में रिमाइंडर 45। अब हम डिवाइड करते हैं 90 को, इजिकल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारे 3 स्टेप का कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो सबसे लास्ट में
डिवाइजर आया है 45, यही एस सी एफ होगा, एस सी एफ 45।